ये जेसीबी 3DX है। यहाँ पे 2009 का मॉडल है इसका। हमने खोला है ट्रांसमिशन। क्या क्या गया अंदर दिखाता हूँ आपको। अगर आपका फर्स्ट सेकंड का प्रॉब्लम है गियर का, तो ये देखो एक ख़राब होने के बाद वो प्रॉब्लम आता है आपको। ये एसी सिंक्रोनाइजर बोलते हैं। ये देखो ये ख़राब हो चुका है, टूट चुका है। उसके अंदर इस तरह के स्लीव ये पिन आते हैं, ये पिन टूट चुके हैं इसके, तो ये रिप्लेस करना पड़ेगा। इसकी तकरीबन कीमत आप कंपनी में 11,000 में मिलेगा, और लोकल डालते हो आप तो आपको 5 से 6 हज़ार में मिलेगा। बाकी इसका थोड़ा प्लेट भी गया है, ऑयल कम गिरने से थोड़ा काला पड़ा है इसका प्लेट। बाकी ये दो सिंक्रोनाइज़र होते हैं इसको, ये वाला अच्छा है। ये देखो ये जो अंदर के पिन है इसमें आपको दिखेंगे, ये पिन जो है इस पर जो ऐसे होते ये टूट चुके हैं, देखो इसमें कोई भी पिन नहीं नज़र आएगा। देखो तो अगर आपको भी गियर का प्रॉब्लम है, तो हो सकता है आपको फर्स्ट सेकंड का प्रॉब्लम है तो ये सिंक्रोनाइज़र ख़राब होता है, और थर्ड फोर्थ का है तो ये ख़राब होता है। बाकी ये ले शाफ्ट होता है, ये पिस्टन, ये अंदर का मटेरियल है, और जो ट्रांसमिशन का केसिंग है वो बाहर वॉशिंग करने को भेजा है। बाकी इसका यहाँ पे देखो ये चार्जिंग पंप भी ख़राब हो चुका है, इसका गाला गिरा है, तो इसका भी लगभग आज की डेट में 11,500 कॉस्ट है। तो इसका 11,500 रुपये, और वो सिंक्रोनाइज़र का 11,000 रुपये, 22,000 रुपये ये मटेरियल का लगेगा, और बाकी भी बहुत कुछ फिल्टर डालना है, क्लच प्लेट डालना है, ये पंप भी खोल के रखा है। यहाँ पे देखो, और वो है टॉर्क कनवर्टर, तो वो भी खोलने वाले हैं, उसको सिर्फ क्लीन करेंगे। टॉर्क कनवर्टर अच्छा है, तो कभी भी ट्रांसमिशन खोलते हैं तो जो पार्ट गए उस पर डिपेंड होता है खर्चा। क्लच प्लेट गया तो उसका 11,500 अलग से लग जाएगा, चार्जिंग पंप गया तो उसका 11,500 रुपये अलग जाएगा। ये 22-23 हज़ार तो फिक्स है, और बाकी सब मटेरियल पे डिपेंड होता है। तो बस इतना ही आज के वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।